आ जाओ मैडम, कैसे निकालते हो दिखाओ जरा। हाँ बीर रहता, हाँ भाई नहीं फाड़ते, ऐसे खोलते हो तो निकाल लेते हो। हमने किसी भगवान को नहीं छोड़ा, किसी वाचक को नहीं छोड़ा। और अभी प्रदीप मिश्रा जी आ रहे 5 लाख की भीड़ उसमें करके, सब लड़कियों के कारण हुआ, समझ रहा हूँ। सरल लड़का है, महिलाओं के चक्कर में ऐसा हो गया है। सब पुरुषों की यही कहानी, जिंदगी मैंने एक बार चमक कर दी। साहब मैंने 100,000 चोरियां की है, लेकिन अब मैं हो गया हूँ साधु। व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखा नहीं मुझे कभी, देखे हो सबको समझाते हो, तरस रहा था सर कम से कम आपके यहाँ मेरे को भेज दे। नहीं चैन नहीं खींचती, पैसा खींचती थी यार, पर्स खींचती थी। ईमानदार महिला है, उस पर आप डाउट कर रहे हो यार। 2000, 3000, 4000, 5000, 200, 500, 600 कितनी बार किया है? वाले बच्चे लोग हैं सर, सब आपके जो जिन लोगों की आप लोग चोरी करते थे उनपे क्या बीतती होगी? ये आप लोगों जैसे लोगों से तो कैसे बच सकते हैं वो? अरे क्या मतलब, चोरी करी लोगे आप लोग, क्या लोगे? तो मैं भी फंस गया इसके बहकावे में। माफ कर दे सर। अरे मैडम पहली बार ही फंस गई आप। 9 महीने चोरी कर रहे हो, उसको अच्छा काम बोल रहे हो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आप बड़े ही मन से भगवान के दर्शन करने जाएं या फिर बड़े ही मन से अपने किसी रिश्तेदार के घर वैवाहिक कार्यक्रम में जाएं और वहां अगर आपके साथ चोरी हो जाए तो आपको बुरा तो लगेगा ही। ऐसे ही चोरी की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई में दुर्ग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल। बता दें आज दुर्ग पुलिस ने ऐसे चोरी करने वाले 3 महिला और 1 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन की सूची रखते थे जहां भारी मात्रा में भीड़ आने वाली होती थी। फिर चाहे वो किसी कथा का आयोजन हो या किसी बड़े नेता का कार्यक्रम हो, यहां वह जाते थे और सोने की चेन, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आदि को चुरा लेते थे। जब दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इनसे पूछताछ की तो यह चोर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि यह आइंदा चोरी नहीं करेंगे। तो वहीं एक महिला कहने लगी कि वो बड़े ही शरीफ खानदान से है। साथ ही इन चोरों ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन स्निचिंग करने का लाइव डेमो भी दिखाया है। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा वीडियो जिसमें इन आरोपियों ने बताया कि कैसे चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कहाँ कहाँ पे नाम बताओ? रायपुरा। रायपुरा, रायपुरा में क्या चीज हुआ था? महादेव घाट। महादेव घाट, राजीव, शिवरी नारायण। दिमाग पे जोर डालना है, बताना है बेटा। भाई और कहाँ कहाँ पे किए हो बताओ ना। ये राम राम का मेला, राम राम का मेला, नया साल में कहीं भी लगता है। नया साल में जहाँ लग जाए वहीं हाथ साफ कर दोगे, वेरी गुड। और जो मेला हुआ वहाँ पे तुम रफू हाथ की सफाई और रफू चक्कर, जादूगर हो यार तुम तो। सर अभी तैयारी, अभी तैयारी कहाँ की थी सर? इमनपुरी रिश्ते, हाँ, प्रदीप मिश्रा जी वाले में। लेकिन एक बार वो तो समझ गया यार। देखो सुनो, जो पूछ रहा हूँ पहले वो बोलो, नौटंकी नहीं करना। हाँ। नौटंकी के लिए अलग सेवा है मेरे पास, वो सेवा होगी तो फिर सेवा की आवश्यकता है। हाँ। आ, मिल जाएगी, टेंशन मत। ये देखिए पेपर कटिंग कहाँ कहाँ पे, पहले ये लोग पेपर कटिंग में देखते कहाँ पे भीड़ आ रही है और उसके बाद पेपर कटिंग रखते थे, हाथ सफाई के बाद अपनी सफलता को ये लोग सेलिब्रेट करते थे। अरे भाई तुम तो यार मतलब, ये तो स्क्रॉल करते करते मेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा। प्रदीप मिश्रा का ही पोस्टर है सर, देखिए प्रदीप, तुमने किसी भगवान को नहीं छोड़ा, किसी वाचक को नहीं छोड़ा, किसको नहीं सर, हर जगह नहीं जा सर। तुम्हें किसी भगवान का तो डर है नहीं है? अरे कहीं नहीं गए, तुम देख रहे हो खत्म नहीं हो रहा है, मेरा अंगूठा टेढ़ा हो गया है। क्या तैयारी, यहाँ की क्या तैयारी किए थे? जामगांव में कैसे किए बताओ पहले? जामगांव में सर मैं नहीं जा रहे हूँ, ये बात विवाद कब लड़कियों के कारण हुआ समझ रहा हूँ, बात विवाद क्रिस कर जाओगे ऐसे वैसे। मैं क्यों नहीं, तो कपड़ा घर उठने डालो मेरा, रास्ते में जाके छोड़ दूँ, कुछ भी कर गई थी, बातचीत भी नहीं हुई। ये तो सरल लड़का है, महिलाओं के चक्कर में ऐसा हो गया है। सब पुरुषों की यही कहानी है,
जिंदगी मन एक बार क्षमा कर दे, जिंदगी क्षमा करने वाला भगवान है और जज साहब है। एक बार बिल्कुल जज साहब के सामने बताना कि साहब मैंने 100,000 चोरियां की हैं लेकिन अब मैं हो गया हूँ साधु, ऐसा ना, तुमने साधु तक को नहीं छोड़ा। तो एक चीज बताओ, करते कैसे थे तुम लोग? मैं कुछ नहीं करता, तुम तो कुछ करते ही नहीं। साड़ी बेचते थे, बताओ ना कार में। हाँ, मैं साड़ी बस बेचते थे। यार बेचारा इतना मेहनत करता है, इसको कुछ क्रेडिट देना है भाई। आपने पकड़ा है, पीपीटी चलाओगे आप, आपको मौका मिलेगा। ड्रॉप करता था ये, ड्रॉप करते थे। अरे भाई, कौन सी गाड़ी में? स्विफ्ट को, स्विफ्ट को जब्त किया कि नहीं किया? साड़ी बेचता सर, उसमें जब्त हुआ कि नहीं हुआ? उसी में छोड़ने जाता। अरे इनको जेल भी उसी में छोड़ना, जब इतने लोगों को क्यों भाई, इनको स्विफ्ट में ही ले जाके जेल में छोड़ना क्यों भाई? स्विफ्ट कितने में खरीदे थे? 8 लाख में। एक बार पैसा दिए थे, लोन पे लिए थे? अरे तो वो भी बैंक को चुरा है यार। कितने पूरा केस दे दिए? नहीं दिए, सास की बंटवारा मिली से जमीन की, वो सास की। हाँ, कोई नहीं, वो मौला दी। ओहो, देखो दहेज भी कितना मिल रहा है उसको। तुम्हें क्या कमी थी? तुम्हें भी हाथ सफाई का काम क्यों शुरू किया? हाँ, अरे यार मेरे दरबार में तो सबका, तुम बताओ मेरे इलाके में पहले कर लिए, एक किए कहाँ पे? जामगांव में करने के तक चक्कर में थे, कल शादी में करने वाले थे, और अभी प्रदीप मिश्रा जी आ रहे 5 लाख की भीड़ उसमें कर गए थे। यार तुमने मेरा व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखा नहीं मुझे कभी? देखे हो? क्या देखे हो? हमेशा देखता हूँ, हमेशा डेली। कहाँ पे देखते हो? मोबाइल में। मोबाइल में क्या देखे? सबको समझाते हो, सबको सब दिखता हूँ। तो तू समझे क्यों नहीं भाई? तरस रहा था सर, कम से कम आप यहाँ मेरे को भेज दे। ऐसा क्या, देखो तरस रहा था मेरे को आने मिलने के लिए, लेकिन यार अच्छी तरह मिलते ना यार, ऐसे मिलाप पे क्या मजा। एक बार पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। मैडम कहाँ से रहने वाली हो? हाँ? अरे पत्नी है तुम्हारी, और फिर कहते हो कि यही करती थी और तुम इधर इधर से ये बात। पहली बार निकाल रहे थे? नहीं, दो चार बार तो कोई चीज ही नहीं है, दो चार बार मेला टेला में पैसा चोरी। कपड़े साड़ी से बेचे पर जाता हूँ। ये यहाँ कपड़े बेचते थे आप? हाथों की सफाई करती थी? नहीं, बात माला मुला कुछ भाई नहीं। ये करती थी? तुम करते थे? मैं जरा इधर, ये करती थी? ये खुद करती है? तुम बोलते थे करने के लिए? नहीं बोली। वो जो चोरी करते थे उसका करते क्या थे? पैसा पैसा कौड़ी निकाल लेते थे। पैसा खींचती थी यार, पर्स खींचती थी। जो ईमानदार महिला है उस पर आप डाउट कर रहे हो यार, पर्स चोरी करते थे यार। सबसे ज्यादा कितना पैसा मिला पर्स में? नहीं, ऐसे ही 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 200, 500, 600 कितनी बार किया है देखो, गिनी लिया 200, 400, 600, 2,000, 3,000 ईटा भट्टा मुट्टा भी सब भी करता हूँ, सब काम करता हूँ। पहले सब करते रहे, अभी आओ क्या। लेकिन ये पति पत्नी की जोड़ी कितनी डेडली है, आपने देखा है भाई शर्मा जी? पति इन्फॉर्मेशन लाता था, इज अ बेटर है सर उसके हिसाब से। क्या चीज? ये अवेट करती थी उसके, पूछो किससे क्यों करता था तू, ये ज्यादा जिद करती थी ना। ये सब बोलो तो कर्जे के कारण रात दिन में बीबी के हम रात दिन झगड़ा, रात दिन झगड़ा वाले वगैरह हम सर दोबारा प्रेशन होई थी ना सर, मेहनत काम ला नहीं उठा सकत रहे। हाँ, तो इसने मेला मेहनत का काम नहीं करती थी, इसलिए आसान काम चोरी आपने शुरू कर दिया भाई। ये तो मेहनत नहीं कर पाती थी, तुम्हारा तो क्या हो गया, करत रहो। तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान, उन महिलाओं का सोचो जिनका पर्स तुम लोग उड़ाते थे, उनपे क्या बीतती होगी। और मेरे इलाके में आके चोरी करने का प्लानिंग करते हो तुम लोग? मैडम मास्टर माइंड, आइए मैडम अपने माइंड को खोलिए। जो भाई बेचारी आई है यहाँ बोलने का मौका मिले आपको, जो 5 मिनट आपको दिलवाऊंगा टेंशन मत ले। इधर आओ भाई, नहीं उसके पास आओ, इधर आओ भाई, काम किया है आपने, पता है आपको। इधर आओ, इधर आओ, बताओ इधर आओ ना यार, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। एएसआई चंद्रशेखर जी आपको आज बताएंगे
कैसे घटनाक्रम होता था पूरा बताना, घटनाक्रम शुरू से अंत कैसे करते थे बताओ। ये पीपर शक्ति के रखने वाले जोर से, और जोर से बताओ, पीपर शक्ति अकलतरा जिले के हैं, इधर आ जाओ। और पूरे के गांव के गांव चैन स्ट्रेचिंग करते थे, मतलब कथा वाचा या कहीं भी होता था वहाँ जाते थे भीड़ भाड़ में, और पीछे बैठ के अच्छी कपड़ा पहन के साथ में मैच करते हुए उनके पीछे के वो जो चैन है या पॉकेट है मारते थे, और इनको शिफ्ट कार में ये छोड़ा करता था, और फिर जब घटना को करने के बाद ही पुनः वापस मोबाइल इनके पास था ही, और ये फिर वापस आ जाते थे। ये पकड़े क्यों नहीं जाते थे ये लोग, छोटा बच्चा मोबाइल था, और ये शिफ्ट कार्ड के आस पास घूमते रहता था, घटना किया तुरंत, घटना करने के बाद मोबाइल किया और तुरंत निकल गया। बताओ मान लो एक आदमी है वो जा रहा है मेले में, यदि उसको बचना है इस पॉकेट मारी से छीन छान से, तो क्या करना चाहिए कि बच सकता है? अपने पर्स और जेब में वो तो गिनती सामान तो न रखे सर, और कोई भी चीज को संभाल के रखे, संभाल के रखे, वो तो संभाल के रखे गए। चैन मत पहने कुल मिला के, चैन ना पहने, गुड, इधर आइए। भीड़ भाड़ में चैन ना पहने। और कुछ बताना चाहते हो भाई? डेमो करवा लीजिए ना, अभी होगा आपको ही 5 मिनट दूंगा डेमो। प्रेस का डेमो करवाइए आज, चेन पहनेंगे और डेमो आज। ये महिला करती चेन, तो जिस जिस को मौका चाहिए। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ सरला साहू, तभी अनंत साहू जी इतना खुश हो रहे हैं भाई, देखिए आप ही के। सरला साहू मैडम, जनता शिक्षक है आपके पढ़ने वाले, तो मैडम ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए ना कि शर्मिंदगी हो। होने वाला है सर, बड़ी अरे मैडम शादी होने वाला है करने, तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए ना जिससे कि आदमी को, आपके जो जिन लोगों की आप लोग चोरी करते थे उनसे क्या बीतती होगी, और 2,000, 4,000, 5,000 चुराने से कोई घर चलता है क्या? आप लोग समाज में आप लोग ये रखोगे? कैसे करती थी बताइए, कैसे करती थी बताइए मैडम। मेला ठेला में जाते थे सर कपड़ा बेचने के लिए। हाँ हाँ, उसके बाद क्या करती थी, कैसे निकालती थी? दिखता था निकालते थे सर, मतलब दिखता था गले वाले का, गले वाले का। हाँ हाँ, पर्स है, तो कैसे आप लोग डिसाइड करते थे कि इसी का लेना है? नहीं, मतलब किसी एक आदमी का लेना है, उसका निर्णय कैसे लेते थे आप लोग? छीनते थे लोग गले से, इसके साथ चैन से निकालते थे धीरे से। हाँ, छीनते थे कि आनंद, चलो भाई अभी 5 मिनट अनंत आपको बताएंगे कैसे ये होता था, बताएं भाई। लाइव 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 डेमो करके बताएंगे, वो हमारे महिला कांस्टेबल है उसका, आप बताइए पूरा काम। पहले आप चैन से जी करते थे, चैन से जी करते थे, हाँ। एक ही बताओ, मान लो किसी को बचना है ये आप लोगों जैसे लोगों से, तो कैसे बच सकते हैं वो? अरे क्या मतलब, चोरी कर ही लोगे आप लोग, चार लोगे तो आप लोग कैसे मालूम चलता था आपको ये सतर्क है ये गैर जिम्मेदार है? नहीं पता। एक महीने में कितनी बार चोरी करते थे आप लोग? महीने में एक आध बार करते थे, साल में 15-20 बार हो गया। कितने बार सालों से कर रहे थे? 9 महीना कम टाइम थोड़ी है मैडम, 9 महीने से पहचान कैसे हुई इन लोगों से? कपड़ा बेचते हुए। तो ये काम इतना अच्छा क्यों लगा आपको, कपड़ा खरीदने में? लालच, देखिए लालच तो बहुत बुरी बला है, लालच में तो, और गलत काम में भी लालच होगा, चोरी में, तो समाज को कितना नुकसान है। इधर आओ बेटा, तुम बताओ ठीक से, ठीक है? अरे किसी को चोरी से बचना हो तो क्या करना चाहिए, कैसे बच सकता है भीड़ भाड़ में, लोगों से क्या अपील करोगे? भीड़ भाड़ कमी, पैसा लेके मत जाओ, ज्यादा पैसा लेके मत जाओ, एक और गहना पहन के मत जाओ, गहना कॉस्टली पहन के मत जाओ, नकली वकली पहन के जाओ, सही, दो और
सतर्कता कैसे पैसा वगैरह वगैरह भीड़ में तो जब ये पैसे लेके आते थे करते क्या थे इस पैसों का? बहुत बार कर्जा, और कर्जा क्यों होता था? ऑपरेशन दो बार करवाए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं भैया इलाज के लिए, हर आदमी चोरी नहीं करेगा। निमोनिया अभी भी एकदम मजला। अरे भैया इतनी सारी सरकार की स्कीमें हैं, वो सब चोर चोरी शुरू नहीं कर देते, ठीक है? मैं भी फंस गया इसके बहकावे में। अरे आ जाइए मैडम, पत्नी का बहकावा नहीं होता भाई, पत्नी के क्या नहीं मालूम था? चोरी करना गलत काम है, मालूम नहीं था आपको? आपको क्या अधिकार समझ लिया था चोरी का आपने? ये लोग कपड़ा बेचने जाते थे, कपड़ा खरीदने वाला व्यक्ति को ये लोग लालच देते थे कि हमारे साथ मिल जाओ, बिना मेहनत के पैसा मिलेगा। ये भी महिला है मैडम। आप भी मैडम, आपने कब से चोरी का काम शुरू किया? चालू की है आप, पहला टाइम था आपका? अरे मैडम पहली बार ही फंस गई आप। कहाँ की रहने वाली है? जांजगीर से। और पकड़ी कहाँ पे गई? दुर्ग में। जांजगीर से दुर्ग का सफर कैसे हुआ मैडम? इन लोगों से दोस्ती कैसे हुई? मेला ठेला में, तो मेला ठेला में चोरी करने गए थे, वहाँ आप मिल गई और चोरी का काम आपको पसंद आ गया और जांजगीर से आप आ गई। जांजगीर में कहाँ की रहने वाले हो? झरमला। तो झरमला से दुर्ग कैसे आई? गाड़ी में आई, बस में आई, कैसे आई? रेल में आई आप, तो रेल का टिकट ली होंगी, फिर आई होंगी, टिकट लेके आई होंगी ना, तो बिना टिकट आ गई है। भैया आपके लिए क्या टिकट की आवश्यकता? तो आप जब आई तो अपने घर में लोगों को बताएं क्या करने जा रही है रेल से? पापा को बता के आई मैं चोरी के लिए निकली हूँ, बताओ। तो आप तो जांजगीर के रहने वाले हो, आप कहाँ की है मैडम? रायपुर। पूरा छत्तीसगढ़ है, एक तरफ जांजगीर एक तरफ रायपुर, आप कहाँ के मैडम? वो तीनों एक ही गांव के हैं सर। अकलतरा पीपर, तीनों एक ही गांव के हैं, रिश्ते भाभी भी लगती हो। इसीलिए तो दोस्ती हुई होगी ना सबकी, यही सबसे बड़ी मास्टरमाइंड लग ये है कि ये है मास्टरमाइंड ये है सर, ये दामाद करके सेव किए सर नंबर को, और जैसे कार्यक्रम होने उसको दामाद बनाई है रिश्ते में, दामाद जी उसको भेजते हैं यहाँ। आइए मैडम इधर आइए, दामाद बनाई है। इतना रो रहे हो आप, पूरा पटकथा आपकी लिखी हुई है। ये दो साल से कर रहे हैं आप, बता आप कितने साल से कर रहे हो? तो वो दो साल से कर रही है, तो आप नौ महीने कैसे होगा? नौ महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैडम आपका? आगे क्या सोच है, जेल से निकलने के बाद क्या करना है? अच्छा, नौ महीने चोरी कर रहे हो, उसको अच्छा काम बोल रहे हो? ये अच्छा काम है? अरे भाई ये कौन सा अच्छा काम बताया आपने, सिखाया इनको? ये तो बोल रही है आप ही ने सिखाया इनको। सबसे पहला कौन था शुरुआती इसमें? ये है शुरुआती, मैंने कहा ना देख के होता है शुरुआती, यही है सर। वो ये बेटर है किसे देखा जाए तो, बहुत परेशान करती है अपने पति को। पैसा लाओ ना, तू बता ना, मेरे को बताया साहब को, बता ना भाई। पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, बताओ भाई। मैं काम तो पूरे एकदम करत रहे बिलासपुर, अच्छा काम करता था, कलकत्ता में शेयर में काम करत रहे हम। ओकर बाद ना कर्जा होती किस दु काते किस ना, से ये बोला पुलिस की मैं भी जाऊं मेला ठेला कुछ ला हूं, मैं मना भी करे बोला, लेकिन एक बार किस तो 700 रुपए लाइस, फिर बोला लालच ही लग गई। चलो कुछ दिन जेल में साथ में रहना, चलो यह एक बार अरे भैया कानून का राज है। हाँ अब यार
दो लोग कमाने वाले खा कमा के खा पी सकते थे ना, वो तो लालच की बात है ना यार। चलो एक डेमो दिखाओ भाई पहला। चलो मैडम इसको पहनो, पहनी हुई है ना, तो इन्हीं का उतार, दो दो चेन है उतारने के लिए, सोना उतारेंगे कि चांदी, अब ये देखने की बात है। आ जाओ कौन करेगा भाई, इनको बुलाओ, तेज है ये, नहीं ये तेज है भाई, वो रोड ये सरला सरला। चलो चलो कैसे निकालते, आ जाओ मैडम कैसे निकालते हो दिखाओ जरा। आप तो पर्स निकालते हो, पर्स है आपके पास, पर्स है क्या? माइकते सर जब मैं, चलो यार मेरा पर्स भी गायब कर देता हूं, इसको पकड़ो सर, अंदर का ना गायब। हां कैसे गायब करते थे? अनाम साहब सर लाओ सर। हां बढ़िया मैडम, बजे बजे मैडम को, हां वो वाला पर्स समझ गए अंदर से आते हैं। हाँ ऐसे खोलते हो तो निकाल लेते हो, उसके बाद किसी पास भी ये गलत नहीं करती है, ये केवल पर्स निकाल लेती है, निकालते मेहनत बहुत कर लगता है चोरी में। वो मेन के चैन के लिए मैडम, जेंट्स का भी निकालते हैं, दोनों चैन के पास से जेंट्स का भी निकालते हैं क्या? पर्स वीडियो दिखाएं, कैसे कैसे वीडियो है क्या? वीडियो है मेला का, वीडियो है ना, वो देने मीडिया ग्रुप पे, वो भी डाले ना यार मेला का भी। चैन वाला साउथ से करवाते हैं क्या पहना? अरे मैं तो सर महिलाओं का निकालते हैं, महिलाओं का निकालते हैं पुरुषों का, वो पुरुषों का नहीं निकालते, महिलाओं का निकालते हैं। आज दुर्ग पुलिस द्वारा तीन अलग अलग अपराधों का जो है खुलासा किया गया। पहला, तीन महिला और एक पुरुष जो कि रायपुर और जांजगीर के रहने वाले थे, इनके द्वारा पिछले दो वर्षों से 100 से ज़्यादा मेले, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक, जब भी कोई भीड़ जमा होती थी तो ये लोग भीड़ में कपड़ा, जो पुरुष है वो अपने स्विफ्ट गाड़ी में कपड़ा बेचने के नाम पे ये लोग जाते थे, तीनों महिलाओं को वहाँ छोड़ा करते थे, और ये महिलाएँ महिलाओं के बैग से पैसा निकालना, पर्स निकालना और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम था पाटन क्षेत्र में, वहाँ पे गायतापारा में इनको चेन स्नैचिंग और पर्स निकालते हुए लाइव इनको पकड़ा गया, और इनसे पूछताछ में इन्होंने पुराने अपराधों को कबूला है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, टेक्निक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,